दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। जहां एक ओर सरकार दहेज मुक्ति को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वहीं एक नया मामला सामने आया है। बहादुरपुर प्रखंड के वसतपुर पंचायत की उप मुखिया किरण देवी से ही दहेज लोभियों ने दहेज का मांग किया है, जिससे सवालिया निशान खड़ा हो रही है और सरकार के सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है। बता दें कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो लगातार लोगों से एक दूसरे को प्रयास होता है कि दहेज को रोकथाम कैसा किया जाए, लेकिन यहां सामने जब जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो सरकार के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बता दें कि मुखिया किरण देवी से उसके ही पति व देवर ने मिलकर 2 लाख रुपया का दहेज का डिमांड किया है और नहीं देने पर जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल किरण देवी का इलाज बहादुरपुर PSC में चल रहा है, जबकि पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। तो हम अपने उप मुखिया जलिया काम हमारे देवर जी करे छथिन, वार्ड नंबर हम अपने छे और कौन सब कुछ में जलिया काम कर रहा लेकिन हम। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बहादुरपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई कागजातों को खंगाला, वही उपस्थित पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। सामान्य बैठक जिला परिषद के सभागार में की गई। इस दौरान अध्यक्षता कर रहे जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी ने मनरेगा सहित कई मुख्य बातों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की।
हमारे जिला परिषद के DDC साहब विवेकानंद झा जी जो 14 फरवरी 2014 को जो है सो ज्वाइन किए थे, आज इनका 3 साल 9 महीना हो रहा है और जिला परिषद में जो इनका क्रियाकलाप रहा बड़ी सराहनीय रहा और बहुत उम्दा रहा। इवेन कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो पंचम वित्त में 7 निश्चय वाला प्रॉब्लम सरकार की ओर से आया था वो पूरे बिहार में कहीं भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे DDC विवेकानंद बाबू अपने सोच से उसको सरकार अपने सोच से जिला परिषद की योजना को बिहार में पहला दरभंगा जिला है जिसमें इन्होंने लागू किया और चलाया और उसको सरकार भी मान लिया और सरकार आज चिट्ठी भी दे दी जिला परिषद योजना का चला जा सकता है और इनका काम जो है सो जिला परिषद के लिए सब दिन सर आँखों पर होगा। और आने वाले DDC से मैं उम्मीद करूंगा जिला परिषद के लोग कि इनके तरह अगर जिला परिषद को चला लिए तो जिला परिषद का उत्थान हो जाएगा, क्षेत्र का विकास हो जाएगा, दरभंगा जिला उनका भी नाम इन्हीं के तरह लेगा और इसी तरह विदाई करेगा। और मैं इनको अपनी ओर से जिला परिषद की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि फूले फले और आगे बढ़ें और बाल बच्चों के साथ खुशहाली से जिंदगी जिए। लहरियासराय के कांग्रेस कार्यालय पर GST के विरोध में कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है, यही वजह है कि 8 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कांग्रेस की ओर से की गई थी। नोटबंदी का ऐलान किया, हमारे देश में नोटबंदी हुई, नोटबंदी के दुष्प्रभाव हुआ कि मोदी साहब ने कहा था नोटबंदी के 2-4 कारण गिनाए थे कि नोटबंदी से काला धन की खात्मा होगा, परंतु 98.8% करेंसी हमारे देश में वापस आ गया। उन्होंने कहा था, देश की जनता को बताया था कि नोटबंदी से आतंकवादी गतिविधियां खत्म होगी, परंतु हम सभी देख रहे हैं आतंकवादी गतिविधियां ज्यों का त्यों बनी हुई है। नोटबंदी के समय एक बात और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि नोटबंदी गरीबों के हित में हम कर रहे हैं। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर को 8 बजे रात में इस देश के ऊपर एक ऐसा निर्णय थोप दिए जिसके लिए देश तैयार नहीं था और वो था नोटबंदी। नोटबंदी के पीछे उन्होंने 3 बात की घोषणा की थी, कारण गिनाए थे, ये नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, आतंकवाद खत्म होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस नोटबंदी से हमारी जो महिलाएं, माताएं और बहनें जो बचत की धारणा बनी हुई थी, भारत की जो एक संस्कृति थी बचत की, महिलाओं के प्रति उनका पैसा सारे प्रचलन जो 1500 करोड़ रुपया 500 और 1000 का नोट का जो इस देश में प्रचलन था, मुद्रा प्रचलन था, वो सारे के सारे पैसा रिजर्व बैंक में जमा हो गया। तो काला धन कहाँ से आया, काला धन कहाँ है? अगर काला धन था तो नरेंद्र मोदी जी के पास में, नरेंद्र मोदी जी के लोगों के पास में, नरेंद्र मोदी जी के जो सहयोगी
उद्योगी घराना के लोग थे उनके पास में था, जो उन्होंने बगैर रिजर्व बैंक को विश्वास में लिए हुए, बगैर तैयारी किए हुए सारे पैसे काला धन को ब्लैक धन को व्हाइट में बदलने का काम उन्होंने किया और आम जनता को परेशानी में डाल दिया। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के जनता ने बड़ा विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी को ये सत्ता संभाला दिया था कि हम लोगों को भलाई होगा। जिला परिषद सभागार में डीडीसी विवेकानंद झा के पद उन्नति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। हमारे सब भाई हैं, हम दरभंगा के रहने वाले हैं, नौकरी नहीं किया है, सेवा किया है, अपनों के बीच में रह करके बहुत कुछ पाया है और इनका आशीर्वाद हम आसमान के ऊंचाई को छू लेंगे, यही कह करके आप लोगों को। सर दरभंगा में सर लगभग तीन दरभंगा के ऐसा लोग नहीं है, दरभंगा के जैसा क्या कहिएगा, मिलनसार, सब काम में मदद करने वाले। और जो लोग बोलते हैं कि यहाँ का लोग छुट्टी काटता है, वो नौकरी करने आते हैं उनको काटता है, और जो सेवा करने आता है उसको माथा पर चढ़ा के रखता है। हमको जितना सम्मान मिला उतना हम नहीं समझते हैं कि अगर 70 साल से ये होगा या 100 साल से बेसी होगा ये जिला परिषद, तो हमको कभी ऐसा नहीं मौका मिला जो हमको कोई शिकायत करने का मौका मिले। और लोग जिला परिषद के कारण यहाँ से अपना बदली करा लेते थे, और आप सारे लोग गवाह हैं कि जिला परिषद में जितना सम्मान मिला हमको शायद ही किसी डीडीसी को मिला होगा, आप लोग भी ये जानते होंगे। इसलिए हमको तो सब अजीज है, हमारा एक एक आदमी यहाँ का रहने वाला, हम पढ़े हैं, लिखे हैं, बढ़े हैं, तो हमारा तो सब भाई है। तो नौकरी तो सेकेंडरी था, पहले तो काम, और जो किए सो किए। एक बात अंतिम में कहते हैं, हम कनी रोरा हैं, अगर कभी बोली से किसी को हो गया हो कष्ट तो माफ़ कर दीजिएगा सब आदमी, आप लोग भी ठीक है। जिंदगी के दौर में मिलेंगे जरूर, ठीक है ना, जिंदगी के दौर में मिलेंगे जरूर। अपने विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले की ओर से बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। साथियों ने रखे हैं, साफ सुथरी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आया है। पहला जो हम लोग का डिमांड है, एक मिनट, आप देख रहे हैं कि 95 बरस 100 बरस के वृद्ध महिला है, जब से सरकार के द्वारा खाता के जरिए भुगतान की बात हुई है, 2 साल में सैकड़ों बार महिला बैंक से चक्कर कटा के पंचायत आ रही है, ब्लॉक आ रही है। हम लोग का मांग है कि 24 घंटा के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशनधारी है जिसका अभी तक भुगतान नहीं गया है, भुगतान की गारंटी की जाए। दूसरी मांग हम लोग का है, इतनी बड़ी बाढ़ आई बहादुरपुर में, संपूर्ण पंचायत को अभी तक राहत वितरण नहीं किया गया है। जो वंचित लोग हैं, जो अभी तक बाढ़ से प्रभावित समय खाता नहीं रहने के कारण या बैंक से रिटर्न आ गया है, वैसे लोग का मिलन भुगतान की गारंटी किया जाए। और
तीसरी जो मुख्य मांग है गरीबों से जुड़ा हुआ सवाल कि इस बार हमने भाकपा माले ने जिला कमेटी योजना बनाई है कि दरभंगा जिला में या संपूर्ण बिहार में कि मजदूरों का बड़ी आबादी आज के दौर में बटाईदारी खेती कर रहा है। 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा जमींदार आज के दौर में खेती नहीं कर रहा है और सरकार राहत भी उसको 6,000 रुपया दिया जा रहा है और फसल क्षति मुआवजा देने की भी बात सरकार कर रही है। इधर NSUI की ओर से नोटबंदी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार की GST जो लागू की गई है वो पूर्णतः असफल रही है। नवंबर को हुआ था उसी नोटबंदी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दरभंगा की ओर से जो नोटबंदी का विफलता हुआ था उसी को लेकर के हम लोग आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से और पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से सभी जनता को हम जनाना चाहते हैं नोटबंदी से जिस तरह से जन समस्या को प्रॉब्लम हुआ, किसान के साथ समस्या हुआ, छात्र छात्राओं के साथ समस्या हुआ है, इसी विफलता के कारण आज GST लागू हुआ जिससे नोटबंदी से देश की स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गया है। इसी के विरोध में हम लोग जो है सो नोटबंदी को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को शायद ज्ञान नहीं था कि इस देश में जब उन्होंने नोटबंदी लाया था, आपको याद होगा सज्जनों कि उस वक्त फसल बुआई का टाइम हुआ करता था, यही वक्त हुआ करता था, एक आम किसान जिस ढंग से प्रभावित हुआ इस नोटबंदी से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगहों पर किसानों ने आत्महत्या की इस नोटबंदी के बाद। आप आंकड़े उठा करके देखो, आंकड़े हमें दिखाते हैं कि नोटबंदी पूर्णतः विफल रही। 18 लाख करोड़ की इकोनॉमी हिंदुस्तान की टोटल थी, ये कहते हुए चल रहे हैं 98.98% कुछ हमने प्राप्त कर लिया, तो भैया नोटबंदी के बाद की जो बातें आपने की थी काला धन का, वो कहाँ गया? हमें वो काला धन आप दिखाओ जिसकी बात आपने जुमलेबाजी के तहत 2014 के चुनाव प्रचार में कहा था। आप गली गली जाते हो, आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हो, आप छल मछल की राजनीति करते हो। आपने देखा होगा गुजरात के राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, माननीय अहमद पटेल साहब को हरवाने में इन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब जिसके ऊपर वाले का हाथ होता है उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, एक आम हिंदुस्तानी के नाते मेरा यह सलाह है आपको कि आप संभलो, जनता आपको देखती है, अगर आप नहीं संभले तो कुर्सी छीनने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी, लोहिया जी ने कहा था। केंद्र सरकार की GST व नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष काफी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, यही वजह है कि 8 नवंबर को राजद, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल काला दिवस मनाएंगे। देखिए, ये स्पष्ट बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 8 नवंबर 2016 को रात में इस बात का घोषणा किया था कि 500 और 1,000 रुपये के नोट का लीगल टेंडर देश में नहीं होगा, अर्थात 500 1,000 रुपये का नोट देश में नहीं चलेगी और इसको बंद इसलिए किया जा रहा है कि देश में जो बड़े लोगों के पास काला धन छुपा हुआ है उसको हम उजागर करेंगे। और उसने देश में एक आपात स्थिति लागू कर दिया, अपना पैसा बैंक में रहते हुए लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, लोग दाना दाना के तरस गए, बेटी विवाह बाल बच्चों को शादी विवाह नहीं कर पाए, बीमारी में जूझता रहा लेकिन लोगों को पैसा का उपलब्धि नहीं हो सकी,
लेकिन यह सरकार का अरे दरभंगा जिला में राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी लीडर कार्यकर्ता हैं वो मेडिकल चौक से जुलूस लेकर के और लहरियासराय पोलो मैदान में एक सभा में तब्दील होगा। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत सरकार के द्वारा जो GST लागू किया, जो नोटबंदी लागू किया, उसमें तमाम तबके के लोग त्राहिमाम हो गया। पैसा रहते हुए भी बेटी की शादी समय पर नहीं हो सका, पैसा रहते हुए भी बाप माँ का श्राद्ध नहीं कर सका। इसके विरोध में हम लोग कल 8 नवंबर को काले दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। दरभंगा जिला के तमाम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कांग्रेस वामपंथी के साथ हम लोग इसका काला दिवस मनाने जा रहे हैं, भरपूर इसका विरोध कर रहे हैं जी। बस ये नोटबंदी के खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से गांव घर से एक एक आदमी को उठा कर लाएंगे और इसका विरोध करेंगे। नोटबंदी का जो फैसला मोदी जी का था वो बहुत ही गलत था। अगर मोदी जी की नज़र में ये फैसला सही है तो हर लोगों को 15 लाख रुपया खाते में मोदी जी तुरंत मतलब दे, तब समझेंगे कि मोदी जी का ये फैसला सही है, नहीं तो गलत तो है ही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आगामी 9 नवंबर को जन्म दिवस को लेकर युवा राजद की ओर से तैयारी की जा रही है। 9 नवंबर को युवा राजद की ओर से तकरीबन 29 किलो का केक काटा जाएगा। क्या कार्यक्रम है युवा राजद की ओर से? 9 तारीख को उनका 29वां जन्मदिन है, उसके शुभ अवसर पे दरभंगा जिला की ओर से सबसे पहले तो हम लोग उनके 29 वर्ष पूर्ण होने पे 29 केजी का केक काट करके उनका जन्मदिन मनाएंगे। उसके बाद हम लोग पिछले दफ़ा भी उनके जन्मदिन पे पूरे ज़िला में 10,000 पौधारोपण का कार्यक्रम चलाए थे, जिसमें 18 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा और मेरे द्वारा जिला मुख्यालय में, जिसमें अभी जो वर्तमान DTC साहब हैं विवेकानंद झा जी, इनके द्वारा, PWD के स्कूटी इंजन के द्वारा, CBL SDO साहब के द्वारा, तमाम जगहों पर हमने वृक्षारोपण का काम किया। और फिर पुनः 9 तारीख को उनके जन्मदिन पर इसी तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसको बड़े पैमाने पर हम लोग 10,000 के लगभग में पौधारोपण करके और उनके जन्मदिन को मनाने का काम करेंगे। कौन सा भाग ले रहे हैं इसमें? स्थानीय विधायक हैं KUT के राज फातमी साहब, दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव जी, बहादुरपुर के विधायक भोला यादव जी, और प्रदेश से आ रहे हैं जो भी यहाँ के प्रभारी हैं पप्पू कुमार यादव जी, वो रहेंगे। और राजद, युवा राजद के तमाम जिला के पदाधिकारी एवं प्रखंड अध्यक्ष, सारे लोग इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को हम लोग बड़े पैमाने पर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोगों के जो नेता है उनके जन्मदिन पर यह कार्यक्रम चलाया जाए। इस्माइलगंज में स्थित नूर क्लिनिक की ओर से मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों महिलाएं ने इस शिविर का लाभ उठाया। चेकअप के लिए, क्योंकि ऐसे भी फीमेल्स में एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, तो बीच बीच में हमेशा ये कैंप हम लगाते रहते हैं, फ्री कैंप, कुछ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ हेमोग्लोबिन का टेस्ट हो गया। दूर दूर से भी काफ़ी आई है पेशेंट सब, जैसे हिलवारा, बलुआहा, ये सब के पेशेंट, शकरी, उसके बाद लहवार, नानाघाट, सब के पेशेंट। मेडिकल कैंप में कितने लोग आए थे आज जाँच के लिए? 70-80 पेशेंट लगभग। शिविर में क्या सब दिया गया उन लोगों को? शिविर में हम लोगों ने मेडिसिन उसको दिया, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन,
पेन किलर, एंटी स्पैजमोडिक, यूट्राइन टॉनिक, जो जिससे रिलेटेड था, मल्टी विटामिन, एंटीबायोटिक में ओफ्लोक्सासिन ग्रुप का, सिफलोस्पोरिन ग्रुप का, जांच और दवा भी मुफ्त में। हाँ, जांच और दवा भी मुफ्त में। मकसद क्या है कैंप लगाने का? इसका मकसद यही है कि जो जो पेशेंट बहुत करीब है, जो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकती है, तो इस वजह से कम आएगी तो उसको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। एक तो उसका जांच भी हो गया हीमोग्लोबिन का, एनीमिया से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, दवा उसको फ्री मिल गई, जो पैसा के चलते डॉक्टर के पास नहीं जा पाती है वो पेशेंट सब भी आ जाती है। मेन यही मकसद था, फीमेल वेलफेयर, फीमेल हेल्थ के लिए, हेल्थ से रिलेटेड उसके वेलफेयर के लिए हम लोगों ने किया है, गरीब महिलाओं की सहायता के लिए। गरीब महिलाओं की सहायता के लिए कल्याण विभाग दरभंगा की ओर से रोटरी क्लब दरभंगा में मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 दर्जन दिव्यांगों ने इस मुफ्त जांच शिविर में भाग लिया। विकलांग सब चीज़ है, विकलांग कोई बेरोजगार है, कुछ करने के लिए जाते हैं, कुछ कर नहीं कर पाता है, इसीलिए मैं सब भटक रहा है, सोचता है बैठे हुए हैं कुछ लोन तोन लेके करा जाए, शुभ नहीं काम कर रहा है बैंक अभी है, बिल्कुल साइकिल नहीं है, साइकिल के लिए आवेदन देता है। बाद में हम आपसे सर्टिफिकेट बनाने आए हैं सर, सर्टिफिकेट हमारा नहीं बना हुआ यहाँ पे बन रहा है जी, सारे चीज़ हमारा तैयारी है सर। क्या नाम हुआ? राम सिंह है, खत्म है। कहाँ से आए? आने रतनपुर पर हम के लिए आए, पहले कभी नहीं मिला था, ब्लॉक से मिलना था, बहुत दिन पहले मिला था। इस बार आवेदन दिए हैं जी, मिल गया, परीक्षण हुआ है, पंजीयन मिल गया। कहाँ से आए? उड़नी ब्लॉक से। नाम? राज मोहम्मद शाह। स्तर पर शिविर लगाया गया है, एक सब डिवीजन में एक शिविर लगाया गया है, जिसमें जो भी विकलांग है जिसका प्रमाण पत्र बना हुआ है उनको सामग्री दी जाएगी विकलांगता संबंधी, और जिन विकलांगों का नहीं बना है उनका ऑन स्पॉट बनवा दिया जाएगा प्रमाण पत्र, और ये लोग विकलांगता संबंधी जैसे चलंत का होगा साइकिल देंगे, कान का मशीन देंगे, ये सब कार्यक्रम। तो हम लोग इसलिए है कि जिनका नहीं बना हुआ है ये सब डिवीजन का, उसका ऑन स्पॉट बना के तुरंत दे रहे हैं। यह कार्यक्रम आज ही भर है और आज इस सब डिवीजन का आज है, अब 3 दिन का है, अब अगले सब सब डिवीजन का दूसरे दिन। कल बेनीपुर में है, कल बेनीपुर में है, उसके बाद बिरोल में। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश झा है, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बहादुर। माँ श्यामा माई मंदिर परिसर में 9 दिवसीय नवास और कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस दौरान पहले दिन कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। जय श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, जय श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, जय श्यामा माई, जय श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, जय श्यामा माई, श्यामा माई। आज भाई के ताली बजाते ये समझ लो हम अपनी माँ का गुणगान कर रहे हैं, जिनकी माँ है वो भाग्यशाली है, लेकिन जिनकी माँ वैकुंठ चली गई वो तो सिर्फ नारायण के द्वारा ही अपनी बात माँ तक पहुंचा सकते हैं। उठाइए हाथ जरा, जय हो श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, जय श्यामा माई, जय श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, जय श्यामा माई, जय श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, जय श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा माई, श्यामा
श्यामा माई, श्यामा माई, माई माने धनधेनु माँ को कहते हैं। श्यामा माई हमारे बिहार में माँ को माई बोलते हैं। ए माई, माई दो ना, है ना, प्यार से बड़ा प्यार आता है। माताजी नहीं कहते, माँ भी नहीं कहते, देखो माँ के माई, ए माई, नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में उठाओ ना हाथ जरा। श्यामा माई, श्यामा माई, तेरा नाम बड़ा सुखदाई। बोलिए बोलिए, तेरा नाम बड़ा सुखदाई। श्यामा माई, श्यामा माई, तेरा नाम बड़ा सुखदाई। श्यामा माई, श्यामा माई, तेरा नाम बड़ा सुखदाई। किसी से नहीं बंध पाया, अपनी माई से बंध गया, है ना, किसी से नहीं बंध पाया, जिसको कोई नहीं बांध सका माई ने बांध दिया। तेरे नाम की महिमा सारे देवी देवता का, सारे देवी देवता गावे। ओ तेरी नाम, अगर कृपा चाहते हो नारायण की, अगर भगवान ने हाथ रख दिया ना प्यारे, हनुमान जी लड़ गए श्री राम से मां के आदेश पर, मेरी मां ने कहा है, राम ने कहा हनुमान तू मेरा सामना करेगा, नहीं नारायण हट जा, नहीं नारायण, राम की बात कभी कह दिया, नहीं नारायण क्यों, मेरी मां ने कहा तू यहां खड़ा रहे। आप चाहते हो कि आपके सेवक का माथा मां के आगे झुक जाए, नारायण मेरी मां ने कहा है तू खड़ा रहे। राम ने धनुष बाण चला, हनुमान ने कदा नहीं उठाई, हाथ जोड़ के सर झुका लिया, लेकिन हटूंगा नहीं महाराज। तेरे नाम की महिमा सारे देवी देवता का, तेरे नाम की महिमा सारे देवी देवता का। श्याम कहे मैं हूँ श्यामा में, श्यामा नाम सुहाए। श्याम कहे मैं हूँ श्यामा में, श्यामा नाम सुहावे। Fuck it!
सुनो, श्री कृष्ण से नारद जी जब कन्फ्यूज हो सकते हैं देवर्षि नारद, तो आपकी हमारी बात क्या है बताओ ना। वो कन्फ्यूज हो गए कि श्याम बड़ा कि श्यामा, चकरा गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए नारद जी। श्री कृष्ण से मुनि नारद ने एक दिन अर्ज लगाई। श्री कृष्ण से मुनि नारद ने एक दिन अर्ज लगाई। प्रभु आप बड़े या मां बड़ी बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा मेरे, किसको बड़ा मानू बता दो, मेरा संशय मिटा दो हे नारायण। श्री कृष्ण से मुनि नारद ने एक दिन अर्ज लगाई। श्री कृष्ण से मुनि नारद ने एक दिन अर्ज लगाई। अर्जी सुन श्री श्याम प्रभु ने वो लीला दर्शाई। अर्जी सुन श्री श्याम प्रभु ने वो लीला दर्शाई। क्या पल में श्याम आज सुबह 8 बजे कलश शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ है और इसका विधिवत उद्घाटन 11 बजे दरभंगा प्रमंडल कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रति कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय आईजी और दरभंगा नगर निगम की मेयर श्रीमती बजरंगी कार्यालय की प्रज्वलित करके दिया। ठीक उसी समय श्यामा संदेश नामक हमारी मासिक पत्रिका का लोकार्पण भी इन अतिथियों ने किया। उसके बाद प्रधान पुजारी ने अग्नि स्थापना की है, सहायक पुजारी ने मंच पूजन किया है, माँ की पूजा हुई है, आरती हुई है और अभी अभी माँ श्यामा का शुभारंभ हो चुका है। यह ठीक 16 तारीख को 12:20 पर समाप्त होगा। इस बीच में लगातार नवान मंत्र का जप, दुर्गा सप्तमी का पाठ और हवन के साथ साथ चलता रहेगा। कई काम आम जन को क्या कहें, आम जनता के सहयोग से ही यह होता रहा है, इस बार भी सहयोग मिल रहा है और इस अवसर पर हम माँ श्यामा से यही प्रार्थना करते हैं कि श्यामा भक्तों को, दरभंगा की जनता को, पूरे भारतवर्ष की जनता को सुख शांति समृद्धि और सौहार्द की प्राप्ति हो, विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित हो और इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने इस यज्ञ का शुभारंभ किया। पहला अवसर है महापौर बनने के बाद इस तरह का आयोजन भी शामिल हुआ है। माँ सबकी मुरादें पूरी करती है, हम लोगों की सबकी मुरादें पूरी करी गई है मैया। कहाँ से कहाँ तक भ्रमण हुआ है? अच्छा बताइए कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में कैसा संदेश और क्या हिंदू धर्म को कायम रखने के लिए ये संदेश बहुत अच्छा जा रहा है कि हम लोग हिंदू समाज वाले सब मिल के एकत्र होके ऐसा आयोजन करते हैं और उन लोग का हौसला और बढ़ता है कि हम लोग और अच्छा काम करें और सब मिल के जुल के एक नया माहौल बनाए कि समाज में एक नया हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार मनते रहे। इसी तरह ये भगवान से मेरी आशा है यही काम। क्या कहेंगे इस मौके? सबसे पहले मैं श्यामा माई के चरणों में आज जो ये श्यामा माई पूजा समिति और पार्षद श्रीमती मधुमाला जी के नेतृत्व में ये शोभा कन्या शोभा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये बहुत ही भव्य आयोजन था और ये नवाह यज्ञ जो हमारा श्यामा नवाह यज्ञ धुन चल रहा है, आज से इसके पहला दिन है, आज से शुरुआत है।
ये पूरे दरभंगे जिले को भक्ति से, श्यामा माई भक्ति भावना से ओतप्रोत यहाँ के लोग हो रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है, खासकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। माँ श्यामा की धुन घर घर के कोने कोने से आवाज़ आती है, पूरा संपूर्ण जिले के हर गांव के सुदूर गांव से यहाँ पर महिलाएं और हमारे भाई भक्तगण लोग यहाँ आज से आना प्रारंभ करेंगे और एक ये अद्वितीय ये श्यामा माई धुन यहाँ पर आयोजन किया जाता है और यहाँ से विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं। इस अवसर पर माँ श्यामाई से करवत निवेदन है कि माँ शवों की मुरादें पूरी करें और हमारे ज़िले में जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारा जिला भक्तिमय हो और हमारे घर में एक संस्कार उत्पन्न हो रही है, जो नैतिकता चली गई, जो नैतिकता पुनः आ रही है और धर्म से ओतप्रोत लोग माँ श्यामा के भक्तिभाव में आज से लग जाएंगे। जय श्यामा माई। सभी श्रद्धालुजन और इस नाम श्याम नाम संकीर्तन से जुड़े हुए आयोजित समिति के सारे माननीय सदस्यगण, यहाँ पे उपस्थिति यहाँ की महापौर मैडम और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर सी पी सिंह साहब, सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को इस श्याम नाम धुन संकीर्तन में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ आते ही मैंने माँ श्यामा जी का दर्शन किया और लगा कि यहाँ पर हमारा आना सार्थक हो गया। तो इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे बताया गया कि ये संकीर्तन 9 दिनों तक लगातार बिना छूटे बिना अवरोध के चलता रहेगा और ये जानकर भी हमें खुशी हुई कि 9 दिनों तक पूरा यहाँ एक मेले जैसा माहौल रहता है और ये मेले जैसा माहौल ही ये बताता है कि यहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं और कितनी श्रद्धा है इस श्यामा मंदिर के प्रति। धन्यवाद आप सब लोगों के लिए कि आज माता श्यामा मंदिर का जैसे शुभ मुहूर्त पर हमको बुलाया है, आईजी साहब को बता रहा है, बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित है इधर, सब लोगों को मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय भी आए हैं, सभी लोग हैं, सब लोगों को माए न्यास हमारा जो न्यास बोर्ड है उसके ओर से आप लोगों को सब लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह नवा समारोह में आप सब लोग अच्छे तरह से भाग लेंगे, माँ का कृपा आप सब लोगों पर आपके परिवार पर रहेगा, इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए धन्यवाद। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई, इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।